इतना बड़ा फ्रिज यार, एज ए डिस्पेंसर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, डिस्पेंसर घर में रखने की जरूरत नहीं। बड़े ज़बरदस्त, देखें ये होता है कभी बच्चे खुला छोड़ देते हैं थोड़ा सा दरवाजा, तो इसकी कूलिंग जाया नहीं होगी। 3 साल कंप्रेसर की, 1 साल पार्ट्स की वारंटी है। इसके अंदर डोर तो देखें कितने हैं, डोर के अंदर भी डोर है सर, 5 डोर है ये। 5 डोर है जी, और डोर खुला रखेंगे तो कूलिंग जाया नहीं होगी, इसके अंदर भी हाइब्रिड कूलिंग लिखा हुआ है नीचे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं और अलगिल, और आप देख रहे हैं हमारे वेब नाज़िम। गर्मियाँ जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं और लोग फ्रिज खरीद रहे हैं और ख़रीदना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोगों का फ्रिज ख़राब होता है, वो नया ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ तमाम इम्पोर्टेड फ्रिज जो कि पाकिस्तानी नहीं है। ये सारे फ्रिज आप देख सकते हैं, ये सारे इम्पोर्टेड फ्रिज हैं। हाँ, इनकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस, इनकी कूलिंग, इनकी ड्यूरेबिलिटी वो पाकिस्तानी फ्रिजेस से कई ज़्यादा है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अफजल साहब जो कि यहाँ पर सेल्स मैनेजर हैं, सेल्स देखते हैं, और ज़हीर इलेक्ट्रॉनिक्स इसका नाम है दुकान का, और ये मौजूद है अब्दुल्ला हारून रोड पे। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ आपकी। सबसे पहले बताएं इम्पोर्टेड फ्रिज और पाकिस्तानी फ्रिजों में फ़र्क ज़्यादा क्या है, सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? सर, पहले फ़र्क ये है कि पाकिस्तानी फ्रिज लोकल हैं, ये सारे इम्पोर्टेड फ्रिज हैं, ये ज़िंदगी भर चलने वाली चीज़ है, ये ख़राब नहीं होते, लोग 20-20 साल से चला रहे हैं, मैं 15 साल से शॉप पर हूँ। सबसे पहले हम ये जो है सैमसंग का फ्रिज देखते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत लग रहा है मुझे, और ये इसके बारे में थोड़ा सा। सर, ये सैमसंग का पिजन पेयर है। पिजन पेयर जी, पिजन पेयर कहते हैं। एक पूरा फ्रीज़र है, एक पूरा फ्रिज है, मैं दिखाता हूँ आपको खोल के। सर, ये पूरा फ्रीज़र हो गया और ये पूरा फ्रिज हो गया, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं आप। मतलब ये अलग अलग है जी, दोनों के कंप्रेसर अलग हैं, मगर 1.5 एम्पीयर लेता है एक फ्रिज, तो दोनों के एम्पीयर 3 हो गई। तो आप और अगर घर में तकरीबन मेरा ख्याल है 12-15 लोग भी हों तो उनके लिए बहुत है। बेस्ट है सर, ये 32 क्यूबिक फीट ये फ्रिज है, ये पूरा 16 16 के 32 दो क्यूबिक फीट होते हैं। अच्छा, इसके अंदर और भी मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसे ये डिस्पेंसर लगा हुआ है जी, ये आप 4 लीटर तक पानी आप डाल सकते हैं इसके अंदर आप, और बिल्कुल ठंडा पानी निकलेगा, 5 मिनट के अंदर ठंडा हो जाएगा ये 5 मिनट के अंदर। अच्छा, ये अगर हम यहाँ से दिखाएं, अंदर पानी डल गया और यहाँ से आप आराम से पानी एज ए डिस्पेंसर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, डिस्पेंसर घर में रखने की जरूरत नहीं। और वहाँ पे स्लिम आइस मेकर लिखा हुआ है, वो क्या चीज़ है? वो जी जो आइस मेकर है वो मैनुअल है सर। ठीक है, आप तो आराम से आप पानी आप डालेंगे इसके अंदर, आइस ट्यूब बनेगा, तो ट्यूब बन के जो नीचे आ जाएगा, ट्यूब नीचे आ जाएगा, आप यहाँ से निकाल देंगे, मतलब अपने आप निकलेगा वो ट्यूब की ट्रेन बन जाएगा सर। तो ये अगर बिजली चली जाए तो ये इसमें कितनी देर कूलिंग रहती है? मजीद से कम 3 से 2 घंटे तक आप इसमें कूलिंग रहती है, 2 से 3 घंटे जी आराम से रहती है, आराम से रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक ये फ्रिज मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये भी बहुत बड़ा फ्रिज है, इसके अंदर भी हम दिखा सकते हैं डिस्पेंसर है, ये भी सैमसंग है, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर, डिस्पेंसर इसमें ये मैं आपको बताता हूँ कि इसमें देखिए दरवाजे लगे हुए हैं, आप हैंडल भी लगा सकते हैं, सैंडल लगते हैं, और साइज़ तकरीबन 27 क्यूबिक फीट है ये, तो ये बेस्ट चीज़ है। आप देखो उसको देखें, इसके डिस्प्ले देखें, आप उसके कूलिंग का भी दिया हुआ है, सब ऑप्शन का दिए हुए हैं कि आप टेम्परेचर वगैरह इसमें भी कम कर सकते हो, और उसकी कूलिंग भी अच्छी कूलिंग है, इन्वर्टर भी है ये। अच्छा, इन्वर्टर भी है, यानी बिजली भी बचाएगा ये सर। ये अगर डोर खुला रहेगा तो कूलिंग ज़ाया नहीं होगी, इसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है, डोर अगर खुला रह गया तो कूलिंग ज़ाया नहीं होगी जी। अरे ज़बरदस्त, देखें ये होता है कभी बच्चे खुला छोड़ देते हैं थोड़ा सा दरवाज़ा, तो इसकी कूलिंग ज़ाया नहीं होगी। उसमें 2 लीटर तक पानी आप डाल सकते हैं डिस्पेंसर के अंदर, आप देख सकते हैं इनको। अच्छा, ये दिखाएं अगर, यहाँ पे छोटा सा इन्होंने डिस्पेंसर दिया हुआ है जिसके अंदर तकरीबन 2 लीटर पानी आएगा और आराम से आप बाहर से ही पानी ले सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर लिखा हुआ है 10 ईयर वारंटी। अब बात ये आ जाती है कि जैसे ये इंपोर्टेड फ्रिज है तो इनकी वारंटी कहाँ क्लेम होगी? सर, यहीं पे होगी, कश्मीर रोड पर होगी, जमदमा पे होगी, तारिक रोड पर होगी, और काफ़ी हमारे सर्विस सेंटर वगैरह यहाँ पर है, मौजूद है, मगर 10 साल ये इन्वर्टर कार्ड की वारंटी होगी, 3 साल कंप्रेसर की, 1 साल पार्ट्स की वारंटी होगी। ठीक है, ज़बरदस्त, यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसके ऊपर लिखा भी हुआ है ऑन द कंप्रेसर डिजिटल इन्वर्टर, ये प्रॉपर इन्वर्टर है और वाकई इन्वर्टर की तरह काम करते हैं। अच्छा, ये कुछ यूनिक फ्रिज लग रहा है। अच्छा, इसके कोई एक प्राइस बताओ मुझे, कितने का ये? सर, ये पड़ेगा आपको 4.5 लाख रुपये का। 4.5 लाख रुपये का? जी जी, 4.5 लाख रुपये लेकर आप खर्च करेंगे लेकिन वो चलेगा भी सारी ज़िंदगी। इसका बताएंगे, ये देखें, ये बड़ा ज़बरदस्त लिखा हुआ है, पुश हेयर टू क्लोज। 2 बार इसको डोर एंड डोर मतलब बताएंगे इसको तो लाइट जल जाएगी पूरी अंदर अंदर, कि आपको क्या चीज़ पड़ी हुई है आपको नज़र आएगी, क्योंकि इसमें ब्लैक शीशा लगा हुआ है तो आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ डोर, आप ऐसे खोलेंगे इसको तो इसके अंदर आप कोल्ड ड्रिंक या बोतल कोई भी आप रख सकते हैं यहाँ पर, तो अब आसानी होगी आपको निकालने की, पूरा फ्रिज खोलने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। अच्छा, ये फ्रिज के अंदर मुझे 4 डोर नज़र आ रहे हैं, 4 डोर है जी सर? 5 डोर है ये। 5 डोर है जी, 5 डोर सर। नीचे 2, ये पूरा फ्रीज़र है, 2 डोर ये हो गए आपके, नीचे फ्रीज़र है जी, और 1 डोर ये हो गया। ठीक है सर, आप इसको आप बंद कर दें तो ये डोर जो है बंद हो गया, ये देखें
ज़बरदस्त। इसमें ये मैं ये दिखाता हूँ, ये आइस मेकर का ऑप्शन है, इसके अंदर पूरा ये क्रश ऑटोमेटिक वाला है। आप इसके साथ खाली पानी की फिल्टर लगेगा, इसमें पानी आप खुद ही आएगा, प्लम्बरी का काम होगा इसमें। मतलब पीछे लाइन लग जाएगी, इसे पानी अपने आप भरेगा और वो खुद ही क्यूब बन जाएंगे, ट्यूब बनाएगा, खुद पानी देगा ये आपको। ज़बरदस्त यार, ये फ्रिज है कमाल का। और ये कितने क्यूबिक फीट है सर? ये है 25 यानी ये 10 लोगों के लिए बहुत है। बहुत है सर ये जी बिल्कुल। 10 लोग अगर आपके घर में फैमिली बड़ी है तो मेरा ख्याल है कि ये फ्रिज सबसे बेहतर है। इसके अंदर डोर तो देखें कितने हैं, डोर के अंदर भी डोर है। आइस मेकर, आइस क्रशर और वाटर डिस्पेंसर दिया हुआ है, तीनों चीज़ें यहाँ से आएगी। ये पानी का यहाँ से का इतना बड़ा जगह दिया है, छेद दिया हुआ है, इसके लिए दिया हुआ है कि आइस ट्यूब और आइस क्रशर यहीं से आएगा। ज़बरदस्त। वाईफाई से आप भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप बैठे बैठे घर में, तो आप कुछ भी आपको चाहिए, आपको वॉइस आइस मेकर चाहिए, वॉइस वाटर डिस्पेंसर चाहिए, तो आप यहीं से कर सकते हैं, बैठे बैठे कनेक्ट हो जाएगा मोबाइल, उससे निकल जाएगा, आपको बस दबाने की ज़रूरत नहीं होगी। अरे वाह ज़बरदस्त यार, ये बेहतरीन चीज़ है। हमने उसमें तो देखा था कि भाई एसी में आ रहे हैं वाईफाई, अब ये फ्रिज में भी आ रहा है। अच्छा ये किस कंपनी का है और ये इसकी प्राइस क्या है? ये मुझे थोड़ा महंगा लग रहा है सर। ये LG कंपनी का है और ये तकरीबन 6.5 लाख रुपये का इसकी प्राइस है। 6.5 लाख रुपये का, इसकी भी 10 साल की वारंटी लिखी हुई है। 10 साल इन्वर्टर काट की, 3 साल कंप्रेसर की, 1 साल पार्ट्स की। एक और बड़ी कंपनी मशहूर होती शार्प, जिसकी बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में लोग खरीदते थे, इसकी भी मुझे 4 डोर यहाँ पर नज़र आ रही है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें सर। ये सबसे पहली बात है कि ये गिलास है, टेम्पर्ड गिलास कहते हैं इसको, ठीक है। और ये पूरा डिस्प्ले लगा हुआ है, जब प्लग लगाएंगे तो डिस्प्ले पूरा नज़र आ जाएगा आपका, ठीक है। और ये पूरा फ्रीज़र है नीचे, इसका भी नीचे फ्रीज़र है जी, इसका भी नीचे फ्रीज़र, बॉटन फ्रीज़र कहते जाते हैं, पूरा फ्रीज़र है ये, ठीक है। और ऊपर ये पूरा फ्रिज लगा हुआ है सर। ओए इतना बड़ा फ्रिज यार, मतलब सब्जी वगैरह आप रख सकते हैं, फ्रूट रख सकते हैं, मछली रख सकते हैं, गोश्त रख सकते हैं, काफ़ी स्पेस दिया हुआ है इसके अंदर के। बहुत बड़ा है ये जी, तकरीबन ये आराम से 15 लोगों के लिए आराम से ही आ जाएगा, इसमें सामान वगैरह जो रखना है। अगर फैमिली बड़ी है, 15 लोग भी हैं, तो ये फ्रिज बहुत है, बहुत है सर। ज़बरदस्त। अच्छा ये शादी है, इसके अंदर डिस्पेंसर वगैरह नहीं है? नहीं डिस्पेंसर नहीं। ज़बरदस्त। इसकी क्या प्राइस है सर? ये 5.5 लाख रुपये का ये वाला। ये 5.5 लाख रुपये का। ये कितने का है सर? ये पड़ेगा आपको 4 लाख रुपये का। 4 लाख रुपये, ये भी उतना ही बड़ा लग रहा है मुझे सर। ये मतलब 4 डोर नहीं है ना सर, ये 2 डोर है। अच्छा ये 2 डोर है। 2 डोर है इसलिए इसकी कीमत थोड़ी कम है। और डोर खुला रखेंगे तो कूलिंग ज़ाहिर नहीं होगी, इसके अंदर भी हाइब्रिड कूलिंग लिखा हुआ है नीचे। इसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे, ये थोड़ा छोटा लग रहा है, इसकी ये भी 2 डोर है। ये साइड बाई साइड वाला सर, इसको साइड बाई साइड कहते हैं, मगर ये ग्लास में नहीं, SS में है। ये पूरा डिस्प्ले दिया हुआ है इसका, ठीक है। और ये पूरा फ्रीज़र हो गया, ये पूरा फ्रिज हो गया सर। 8 लोगों के लिए ये फ्रिज बहुत है। ज़बरदस्त। इसकी प्राइस क्या है सर? ये पड़ेगा आपको 3,80,000 रुपये का। 3,80,000 रुपये का। अब मुझे सबसे सस्ता फ्रिज दिखाएं, जो आपके पास सबसे सस्ता फ्रिज है इस वक्त। सर ये जो है तकरीबन 2-3 अफराद के लिए, कैसे 4 अफराद के लिए, 2 अफराद के लिए बहुत काफ़ी। दो छोटी फ्रिज, छोटी फ्रिज है ना सर। इस पर लॉक भी दिया हुआ है, लॉक का सिस्टम भी यहाँ पर है। ये भी इन्वर्टर है, मेड इन थाईलैंड है ये। थाईलैंड जी, थाईलैंड का सर। ये जो सैमसंग की है, ये कहाँ की, कहाँ से इम्पोर्ट है सर? ये ओरिजिनल जो है, ये चाइना से ऑर्डर है, चाइना है ये। मुझे खोल के दिखाएंगे, 3 डोर है, ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। सबसे पहले डोर आपको ये दिखाता हूँ कि पहला डोर ये खुलता है। इस पर आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह, बोतल, आप कुछ भी चीज़ जो अब की ज़रूरत की चीज़ें यहाँ रख सकते हैं हम। ये सामने रख सकते बिल्कुल हैं। आपको खाली छोटा गेट खोलना पड़ेगा और फिर आपको इसके अलावा फिर बड़ा गेट खोलना पड़ेगा। ज़बरदस्त, ठीक है। अंदर खोलना है तो फिर बड़ा गेट, ये खोला। ये पूरा फ्रिज है, ये आप जो देख रहे हैं पूरा फ्रिज देख रहे हैं। और इसके बराबर में जो है वो डिस्पेंसर वाला जो लगा है, ये पूरा फ्रीज़र है। ये फ्रीज़र है, ये खोल के दिखा दिया मैंने आपको जी। इसके अंदर ही डिस्पेंसर लगा हुआ है, आइस मेकर, आइस क्रशर, वाटर डिस्पेंसर, ऑटोमेटिक है ये भी। ये भी ऑटोमेटिक जी। ये भी 6.5 लाख रुपये का है सर। ये भी 6.5 लाख रुपये का जी। और शुक्रिया बहुत बहुत अफजल इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने का। और ये वीडियो खास तौर पे मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो इम्पोर्टेड फ्रिज खरीदना चाहते हैं और नया खरीदना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे सकता था। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जाने से पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं हूं राहिल गिल, खुदा हाफिज़।